नमस्कार दोस्तों, हम आए कपासेड़ा में जो कि 2020 के विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, और जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं महिलाओं ने यहाँ पे मोर्चा संभाला हुआ है, तो हम यहाँ पे कुछ महिला हैं उनसे बात करेंगे किसके लिए ये कैंपेन यहाँ पे चल रहा है, किसके प्रचार के लिए ये महिला आई हुई है। आंटी क्या नाम आपका? कमला। कमला जी, जो मैं पंपलेट देख रहा है ये आप जो घर घर जाके बांट रहे हैं, किस कैंडिडेट के लिए ये काम कर रहे हैं? ये लोकेंद्र यादव पोता है मेरा। अच्छा जी जी, इसके वोट के लिए हैं हम जी। ठीक है जी। मैडम क्या नाम? लोकेंद्र यादव की वोट देंगे, वो सारा कापासेड़ा का काम सही सही करेगा, और बिजवासन का और विधानसभा से वोट के लिए काम कर रहे हैं सबके। भाई लोकेंद्र को MLA बनाओ, वोट दो और ये सारा विकास सही करेगा। जी जी मैडम क्या नाम? मुकेश जी। क्या कहना चाहेंगे, जो आप लोग एक कैंपेन करके चल रहे, घर घर जा रहे और लोगों को कुछ समझा रहे, किस कैंडिडेट के लिए ये करें? लोकेंद्र यादव। लोकेंद्र यादव बिमला जी, क्या कहना चाहेंगे? लोकेंद्र की तरफ से कर रहे हैं काम, करेगा पोता हमारा, मदद कर रहे हैं अपनी। कितने घरों में अभी जा चुके, कितने लोगों को समझा? अभी तो लिख रही है, शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, शुरुआत आप लोगों ने की है। हाँ। तो हर घर में जाने का आपका निर्णय है? हाँ जी। तो ये खाली कपासेड़ा में या और कहीं भी आप जाएंगे? राजनगर तीनों चारों गांवों में अपना प्रचार करेंगे। कपासेड़ा, राजनगर, बागडोला, सिमाल का, हम इन गाँव में। तो ये जैसे अभी मैं देख रहा, जो महिला निकली बाहर, क्योंकि पहले तो वोट भी डालने नहीं जाती थी, और आज एक कैंपियन के नहीं, अब हम लोकेंद्र की खातिर घूमेंगे तो सब बड़े बुजुर्ग देखेंगे और इसको हम विजयी बनाएंगे। मैं आशा कपासेड़ा से बोल रही हूँ, और मैं हर एक घर में जाती हूँ इनमें लोकेंद्र के लिए, और उनसे वोट मांगती हूँ। पूरा गाँव हमारे साथ है। अच्छा मैडम, मैं एक एक घर हमारे साथ है। किसी पार्टी से लड़ रहे या कोई निर्दलीय? नहीं, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। निर्दलीय, और पूरा गांव हमारे साथ है। हम पूरे दिल से, तहे दिल से लोकेंद्र जी के साथ हैं, और पूरा गांव हम लोगों ने सबसे जाकर के, घर घर जाकर के हम मिले हैं, और सभी लोग उन चाहते हैं कि वो विजयी बन करके वो अपने गाँव के लिए, विकास के लिए कार्य करे। अच्छा, जहाँ तक भी जितना भी आप एक विजिटिंग कार्ड भी ले रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। विजिटिंग कार्ड में क्या लिखा हुआ है, किसके लिए है, थोड़ा ये सभी लोकेंद्र यादव जी के लिए है। हम उनको एक एक आदमी से हम उनको रूबरू करा रहे हैं कि आप उनको विजयी बनाएं, वो आपके लिए, आपके विकास के लिए कार्यरत रहेंगे। वो पूरे दिल से चाहते हैं कि वो कापासेड़ा में को विकसित करे, विकास करे उसका। बिजवासन विधानसभा से ये एक युवा कैंडिडेट पहली बार खड़े हो रहे हैं। अभी तक जितने भी राजनीति में आए हैं सभी ने अपना विकास पे तो ध्यान दिया है, लेकिन अपने हलके का विकास नहीं किया, क्योंकि आप भी देख सकते हैं पीछे गलियों का भी हाल है, एजुकेशन का भी है, हॉस्पिटलिटी को भी लेकर के है। अभी तक किसी ने इस फील्ड में कार्य नहीं किया है। यानी कि एक नौजवान भी है, और जो विकास की आपने बताया, बिल्कुल हर विकास में करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की महिलाओं से, इन्होंने बताया कि एक युवा नेता भी है लोकेंद्र कपासेड़ा जी, और उन्होंने जैसे हमने पीछे से बात की थी उनसे, जो लोकेंद्र जी है उन्होंने अपना टाइटल नेम हटा दिया, लोकेंद्र कपासेड़ा नाम रखा अपना। तो जैसे महिला निकली हुई है, अभी बताया कि ये हर क्षेत्र में जाएंगी और लोगों को जागरूक करेंगी। जैसे कि आज की हम बात करें तो जो महिला है वही वोट सबसे ज़्यादा डालने जाती है। जैसे कि आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी कहती है कि महिला हमारे साथ है। तो यहाँ पे देखना को ये मिल रहा है कि जो बिजवासन विधानसभा है यहाँ पे महिलाओं ने अपना मोर्चा संभाल लिया है, और लोकेंद्र जी को जिताने के लिए ये मोर्चा संभाला है। लाइक, शेयर एंड कमेंट। To subscribe this channel, please press the bell icon.